नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। दोस्तों, आज हम रुपीस 5000 करोड़ के पोंजी स्कैम के बारे में बात करेंगे। इस स्कैम में लगभग 1 लाख इन्वेस्टर्स का लॉस हुआ था। ईयर 2006 में मंसूर खान बैंगलोर आए थे और उन्होंने आई मॉनिटरी एडवाइजरी ये कंपनी इस्टेब्लिश किए थे। उन्होंने ये बताया था कि इस कंपनी का मेन पर्पस है गोल्ड और दूसरे मेटल्स का ट्रेडिंग करना, पर उन्होंने एक हलाल स्कीम बनाए थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में बताने लगे। उन्होंने कुछ रिलीजियस हेड्स को भी इंक्लूड कर दिया था ताकि इन्वेस्टर्स जब उनसे स्कीम के बारे में सुने तो उसमें डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करें। मंसूर खान ने इन्वेस्टर्स को कहा था कि मिनिमम 5000 करोड़ वो लगा सकते हैं। उनकी कंपनी फिर स्टॉक्स मेटल्स का ट्रेडिंग करेंगे और वो ट्रेड करके जो प्रॉफिट होगा रेगुलरली इन इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिया जाएगा जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे। ये एक पोंजी स्कीम था। इसमें इन्वेस्टर्स जितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते थे उतना ज़्यादा रिटर्न परसेंटेज मंसूर खान दे रहे थे उनको। अगर कोई लाख और करोड़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो उसका 6-7% रिटर्न परसेंटेज उनको मिल रहा था। इनिशियली जब लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने लगे तो मंसूर खान उनको रेगुलर ट्रेडिंग से हुए प्रॉफिट से फिक्स रिटर्न परसेंटेज में पैसे दे रहे थे। ये इन्वेस्टर्स फिर इस स्कीम के बारे में दूसरे लोगों को बताने लगे, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, इन सबको वो बताने लगे और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने लगे। 8 से 9 महीने बाद जब बहुत लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने लगे, वो ये सोच रहे थे कि उनको बैठे बैठे प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी होगा। धीरे धीरे मंसूर खान ने रिटर्न परसेंटेज स्लो कर दिए थे कुछ महीनों से। फिर वो 3 मंथ्स का प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को नहीं रिटर्न किए तो लोग उनसे सवाल पूछने लगे कि वो 3 मंथ्स का रिटर्न अमाउंट क्यों रिटर्न नहीं किए। तो मंसूर खान ने उनको बोले कि ट्रेडिंग में ऊपर नीचे होता है और गवर्नमेंट के कुछ नए रूल्स आए हैं जिसकी वजह से उनको रिटर्न करने में प्रॉब्लम हो रहा था। उसने लोगों को वेट करने के लिए कहा और वो पैसे रिटर्न करेंगे ये भी अश्योरेंस वो लोगों को देने लगे। इस टाइम में एक्चुअली मंसूर खान सारे पैसे उनके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे ताकि वो उन सब पैसे को लेकर भाग सके। फिर जब कुछ दिनों बाद लोग हंगामा करने लगे तो मंसूर खान ने उन सबको कहा कि वो ईद के बाद पैसे रिटर्न करेंगे। फिर ईद के बाद ऑफिस उनका खुला ही नहीं तो लोग फिर पुलिस के पास चले गए। फिर इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को पता चला मंसूर खान ने ईद के दौरान ही सारे पैसे उनके दुबई के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे और वो वहाँ भाग गए थे। इस स्कीम में मेनली मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा लॉस हुआ। उन्होंने उनका सारा सेविंग अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए थे ये सोचकर कि उनको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और उनको फ्यूचर में हाई रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, हमें लगता है आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए ताकि आप ऐसे स्कैम से बच सकें। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहे हमारी यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, और इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।